फिर बैठा तू तो भाई चले जा बात चल यहाँ से। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम आवर न्यू व्लॉग। तो बज चुके हैं सुबह के नहीं, आफ्टरनून के 12:20 हो चुके। तो अब चलते हैं मायापुरी, क्योंकि कुछ काम करवाना गाड़ी पर, बाकी गाड़ी बताता हूँ और क्या क्या काम है, चलते हैं, मिलता हूँ मैं आपको गाड़ी। तो आ गए हैं गाड़ी में, अब जा रहे हैं मायापुरी, लेकिन जा किस लिए ले वो वहीं जाके बताएंगे, है ना। बाकी चलते वहीं जाके बताएंगे, पहले वैसे गाड़ी का ही काम है, क्योंकि आप सबको तो पता है, वहीं चलते हैं तब बताएंगे आपको। माया गाड़ी तो चलिए भाई की मजा है, भाई कितने लग गए थे, 25,000 ना। हाँ भाई, भाई के 25,000 लगे, लेकिन धुआं नहीं दे रही गाड़ी में, पिकअप भी सही है। बाकी किसी CNG का सेटिंग करवाते हैं, पेट्रोल पे तो एकदम मस्त भाग रही है ना। हाँ भाई, बस CNG में थोड़ा दुबड़ कभी कभार करती है। हाँ बाकी यार सेटिंग, हाँ CNG में सेटिंग कराते, बाकी मुझे तो मस्त लग रही चलाने में, मतलब पहले तो एकदम जान फूक के चल रही थी गाड़ी, ऐसे चल रही थी, पैसे भी लगे मोटे तभी जा करके चल रही है सही। हाँ 25,000 आप सबने कमेंट में नंबर दिया नहीं तो हमें लग गई ज्यादा पैसे। देर में कर दोगे आधा घंटा, बाकी स्टार्ट खोलना ही अपना। ये भी लाइट हो गया, ये भी लाइट हो गई मेरी। ये क्या बफिंग करोगे या क्या क्या करते हो इसमें? मशीन से करोगे? चमक जाएगी पूरी, नई नई जैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी जैसे शोरूम चला। और क्या बात है, पक्का ना भाई? मजाक मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? क्या नाम है भाई आपका? भाई मेरा नाम जैद है। जैद जी, कर दो भाई। तो भाई आज सजाद जैद जैद भाई, हमारे डैड मार भाई तुम्हारी है ना? हां जी भाई। नई भी रखते या पुरानी रखते सारी? भाई पुरानी रखना, ओरिजिनल लाइट है सारी। अच्छा, मतलब की उतरी हुई जेन्युइन। अच्छा मतलब की पुरानी है लेकिन जेन्युइन मिलेगी। हां भाई। अच्छा वो रिपेयर साफ सुफ करके एकदम मस्त। हां भाई, ज्यादा मारेंगे ना शीशा का थोड़ा फटने। पुरानी लाइट अगर आपकी खराब हो जाए, जो भी हो जाए ना, तो रिपेयर सब हो जाती है भाई? हां भाई सब हो जाती, भाई सब हो जाती, नई न्यू डलवाने की जरूरत नहीं है। भाई के पास आ जाना, मायापुरी धर्मगढ़ डी ब्लॉक, एड्रेस सुन लिया, भाई के पास आना, सारी पुरानी की पुरानी लाइट है, जो रिपेयर होगी वो रिपेयर हो जाएगी, जो रिपेयर नहीं होगी वो रिपेयर नहीं हो सकती ना फिर। हाँ जी भाई, लेकिन दूसरा आप लाइट दे दोगे नया? हाँ, लाइट दे देंगे, लाइट दे देंगे भाई हमारे, जैन वन लाइट देंगे भाई। कितने के मेरे बिल कैप? 500 रुपए के लिए। अरे सही मिल गए, मैंने सांप भी, अरे सांप भी, अरे पता कहाँ था मेरे को। चल सही है ना, पिछले इससे बात करके गया था उसी से लिए, जैसे जिससे लिया था जिससे तेरे से बात करके गया था ना, ऐसे इससे बात करके गया था, हाँ उसी से लिए। अबे 800 रुपए ले रहा था अभी, मैंने कहा तूने 600 रुपए बोले थे मेरे को। हाँ हाँ भाई लगते। अब इस पे चलाओगे क्या? ग्लेंडर भाई, ग्लेंडर जी जी ग्लेंडर। अच्छा ग्लेंडर चलाओगे, अब देखते क्या भाई बोले, ग्लेंडर चलाएंगे देखते कैसी मशीन होती है, हमने भी फर्स्ट टाइम देखी। आओ भाई यार। अच्छा अब चलते हैं अंदर, गाड़ी लॉक करके आ जाओ भाई। है भाई ले जा रहे हैं हमें कहाँ, गली कुची में। अच्छा फॉग लैंप, अच्छा ये सारे रखते हैं। अच्छा ये आए, ओहो भाई ने यहाँ देखो सारी लाइटें चमका चमकू एकदम नई जैसी बना रखी है। माल तो यहाँ रखा है, माल जबरदस्त रखा भाई ने। यही मशीन? अच्छा यही मशीन है भाई की बफिंग वाली। कौन सा कपड़ा है ये? भाई कटाई का, पहले कटाई होगी, कुकर की कटाई होगी। हाँ फिर इसका पानी पड़ेगा भाई, देख लो बफिंग वफिंग जो इस पे चलता है ना कैसे करते हैं भाई। भाई चला रहे मशीन, चल गई मशीन, हमारी अब चला रहे लाइट में मशीन, ये देखो कटाई वाली। अच्छा ठीक है, अच्छा पॉलिश है, कौन सी लगेगी इसमें औजार भाई? अच्छा ये वाला लगेगा, पॉलिश वाली। अच्छा पॉलिश वाली लगेगी, है ना, चमक आ गई सही। अच्छा चमक वाली है ये, दिखाओ ये देखो चमका दी, क्या मस्त लग रहे। जैद भाई फिट कर देंगे हमारी लाइट, जैद भाई ने कर दी हमारी लाइट एकदम नई जैसी। ये देखो लाइट क्या चमक रही है, और ये वाली देखो, ये रहे अपने भाई,
थैंक यू भाई। यासीन ये भाई शॉप के ऑनर है भाई, ये देखो क्या क्या माल मटेरियल है, इंजन के पार्ट पता नहीं मोटर आगे जिप्सी मार्केट। और ये देखो ये है गाड़ी दमदार, क्या कहते भाई ली जाए भाई ली जाए। ये है महिंद्रा की थारी है, लेकिन ये मिलिट्री वाले से लेके आते हैं जो भी है, लेकिन गाड़ी दमदार मॉडिफाई करी हुई है ना, सर मॉडिफाई करी हुई है, ट्रैक्टर वाले टायर लगे हुए इसमें। बाकी ये तो अभी थार वो भी थार खड़ी है, ब्लैक कलर की भी रेडी हो रही है, और भी है। बाकी ये देखो गाड़ी कितने बड़े टायर लगे, टू सीटर है। थार है बाकी यहाँ पे रेडी हो रहा है गाड़ी वगैरह हमारी, गिफ्टी रेडी हो रही है अंदर से ऐसी पूरी गिफ्टी, मतलब रेडी हो चुकी है गाड़ी। ये देखो कैसी गाड़ी है, वैसे ये पुराने जमाने में नहीं जीप चलती थी, जीप कमांडर वगैरह होती थी, उस टाइप की गाड़ी लगी, पूरा मीटर वीटर सारा चला गया वैसे। पता नहीं कौन सा मॉडल है ये तो पता नहीं, लेकिन लग बड़ी जबरदस्ती ऑफ रोडिंग लग रही है। 2014 मॉडल क्या की ली जाए, पक्का बता दो तो ले लेंगे भाई, फिर चलेंगे एडवेंचर पे दोनों फुल एकदम मस्ती करते हैं, क्योंकि गाड़ी तो है ही एडवेंचर वाली। अब बात करते हैं बाकी, देखते हैं और भी क्या डिमांड वगैरह क्या क्या रेट में मिल जाएगा, बात करते हैं। 2005 मॉडल है तो नंबर कौन सा मिलेगा हमें, हिमाचल का मिलेगा एचपी ने, और कहीं का भी मिलेगा, 4.5 लाख इसका थोड़ा सा ईयर बचाओ, मैक्सिमम टाइम बचाओ, ये तो जैसे बहुत पुरानी 2036 तक 2005 मॉडल। क्या नाम है भाई आपका, और ये 13 है, ये 5 ये भी 2005 है, दूसरे दुकान पे वहाँ 12-13 है। क्या प्राइस का होगा उनका, 3.70 की है, 4 लाख की है, 4 लाख की है, और ये 3.70 की है, ये 12 है ना, 10 है, दोनों 10-10 है। तो जिप्सी मतलब क्या मिलिट्री वाले से लेके आते हैं, जो ऑप्शन में जो मिलिट्री वाले के निकल जाते हैं वहीं सारी जिप्सी लेके आते हैं आपको, जो 12-14 मॉडल जो है वो मिल, 13 मॉडल गाड़ी आपको 3.5 लाख रुपए की मिल जाएगी, 2013 मॉडल। पासिंग का मतलब इंडिया के लिए होती है, एक स्टेट के लिए, आर्मी की गाड़ी अनरजिस्टर्ड होती है, आज रजिस्टर कराओगे तो अगले 15 साल की, चाहे उन्होंने 2010 में ली है लेकिन वो गाड़ी अनरजिस्टर्ड है, वो आर्मी का नंबर है, उनका अपना इंटरनल नंबर है जिसपे चल रही है वो, और आप उसको आज रजिस्टर करा रहे हो 2022 में, एचपी में पैसे कम लगते हैं ना वैसे, आप जैसे आप भी सोच रहे हो अर्गुप्त पैसे के बारे में सोच रहे हो ना, रजिस्ट्रेशन में एचपी में भी 40,000-35,000 इस हिसाब से। जैसे हमें ना एक 4x4 चाहिए थी गाड़ी, जो हम पार वगैरह में भी ना स्पीड वगैरह जो भी होती है ऑफरोडिंग के लिए जाना होता है, हम जाते रहते हैं महीने 2 महीने 3 महीने में एक बार, तो हमें साल में 4 बार कंज्यूम चले जाते हैं। जिप्सी है भाई तो सबसे सक्सेसफुल 4x4 गाड़ी 2013, वो पूरी सेल्फ स्टार्ट रनिंग गाड़ी है। अच्छा मैकेनिकल सब काम उसका, ब्रेक का, कमाने का, पसंद आई भाई को ये जिप्सी 2016 नहीं, ये UP 16 नोएडा की गाड़ी है ये, हाँ ये नंबर है इस गाड़ी का, 2010 मॉडल है ना ये, सेटिंग करा कर हाँ कराना पड़ेगा इसको पूरा ना, मशीन तो कराना पड़ेगा। बाकी अंदर से देख लो जिप्सी ऐसी होती है, ये टू सीटर बना रखे, कैबिन वगैरह इसका मस्त एकदम सही तो लग रही है मस्त, अच्छा ये इसका मीटर है, एकदम रॉ गाड़ी आती है। बाकी आपके ऊपर है आप कितना इसको पैसा लगा के बनाना चाहते हो, मेरे से स्टेप नहीं ले रहा, पीछे में बैठने वाला मायापुरी से तो निकल गए हैं, और मन बना है भाई हमारा किसका क्या लेने का, जिप्सी लेने का मन बना है। बाकी कमेंट में बताना कि जिप्सी ली जाए कि नहीं ली जाए, 3.5 लाख में 2013 मॉडल ना, यानी कि सब कुछ करा करो, यानी कि करीबी कराई 2010 मॉडल 3-3.5 लाख रुपए की मिल जाएगी, 3.5-4 लाख रुपए की, 3,70,000 रुपए की थी जिप्सी 2010 मॉडल। अगर हमको ऑन पेपर चाहिए रजिस्ट्रेशन जब से हम गाड़ी लेना चाहें, अगर 2000 यानी कि जब जो सी डेट से हम, तो वो गाड़ी मिल जाएगी 3.5 लाख रुपए की,
उसके ऊपर जो भी रजिस्ट्रेशन चार्ज होगा वो खर्चा, उसके ऊपर से प्लस जो भी तुम्हारा मॉडिफिकेशन का, मॉडिफिकेशन नॉर्मल खर्चा जो बताया 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्चा मॉडिफिकेशन का आएगा। टायर वगैरह और बम्पर वगैरह में क्या क्या जो नहीं लगता ना वो सब लगेगा ना, बस वही सब लगेगा। और नंबर जो है ना एचपी का देंगे, क्योंकि एक्चुअली रोड टैक्स वगैरह पार्किंग जो भी चार्ज होते हैं वो एचपी का सस्ता है और बाकी अदर स्टेट का महंगा है, तो वो एचपी का थोड़ा 40-50 हजार रुपए पड़ता है रजिस्ट्रेशन चार्ज। तो ऑन पेपर अगर हम आज लेंगे तो आज की डेट से वो चढ़ जाएगी। तो हम 15 साल तक चला सकते हैं, क्योंकि वो पहले थी मिलिट्री व्हीकल, फिर वो कन्वर्ट हो जाएगी प्राइवेट व्हीकल पे, तो वो 15 साल तक हम चला सकते हैं। और दिल्ली में तो वही है, 15 साल तक तो पुरानी गाड़ी चल नहीं सकती, तो अदर स्टेट में आप चला सकते हैं गाड़ी। और बाकी और भी आप अलग अलग स्टेट की ले सकते हो एनओसी वगैरह निकलवा के, तो वो आपको करवानी पड़ेगी या फिर वही करके दे देगा, लेकिन थोड़ा महंगा लगेगा, 90-91 लाख रुपए लग जाते हैं वो रजिस्ट्रेशन चार्ज ना, वही सब लग जाएगा, बस 1 लाख रुपए के आसपास लग जाएगा यूपी हरियाणा। और लेंगे तो फिर तो जानते हैं वीडियो की तो अलग ही आएगी वीडियो हमेशा। हम कहाँ रहेंगे पता है, पहाड़ों पे ओनली 4x4 गाड़ी रहेगी आराम से हमेशा, ऑफ रोडिंग। और जिप्सी में एक बेनिफिट है ना 4x4 लेने का, कारण ये है ना कि कहीं भी चला दो बिना सोचे समझे। और अपनी गाड़ी से क्या बम्पर उतर जाएगा तो ये उतर जाएगा, उसमें कोई लफड़ा नहीं, गाड़ी लिफ्ट कराएंगे 4x4 लगाएंगे कहीं पे भी चला दो एकदम। लाइट नहीं कर दी है अब इसको, एक बार रात में देखें कितनी रोशनी है हमारी, क्योंकि पहले तो कुछ भी दिख रहा था ना, पहले तो लाइट आती है भाई को दिखते रहते भाई, तो आंख बंद करके चलाओ या आंख खोल के चलाओ रात में, एक ही बार भी लाइट वाइट जो भी खराब रह जाएगा। मायापुरी आ तो थोड़ा टाइम लगेगा, सिर दर्दी होगी लेकिन काम हो जाएगा सस्ते में, ये बात है मायापुरी में। कितने की देगा था लाइट? तो वो लाइट वो भी कंपनी की नहीं थी, 3500 रुपए सारे थे, वो भी लोकल कंपनी के, दोनों लाइट को मेरी चमका दी उन्होंने सिर्फ 300 रुपए। 300 रुपए में लाइट होगी एकदम नई। पार्क और लाइट देखो कितने चमक रहे हैं दोनों, पहली वाली वीडियो में देखना लाइट चले भाई घर। तो आ गए हैं घर और बज चुके हैं 5:29, अब खाएंगे खाना, बहुत लेट हो चुका लेकिन खा लेते हैं अब खाना। रोटी ले लिए चले, कार का चाबी नहीं लिए हैं, चौमिन बन जाए अंकल जी, हाफ प्लेट बना दो चौमिन लो, करूँ मैं आप जलाते हैं आग, अब आग जल गई। अब ठंड तो मम्मी है लेकिन पता चुभन चुभन वाली ठंड है, क्यों हवा चल रही है ना, पियो अब अच्छा लग रहा है। ये देखो ये पेपर पता नहीं कहाँ से लेके आती है, अब ये देखो ये पेपर लेगी इसको मोड़ेगी और इसको आग में डाल देगी। है मम्मी खाना क्या बनाई मम्मी? खाना बनाए रोटी आलू शिमला की सब्जी। 10:13, अब खाएंगे खाना, लगाओ मैं खाना। आ गया हमारा खाना, तो हो गई है एडिट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करना लाइक, चैनल करना सब्सक्राइब, और ये जरूर बताना कि मायापुरी की वीडियो अच्छी लग रही है आपको कि नहीं। बाय बाय और शुभ रात्रि।